जी सरकार, इस गांव में आदमी यहाँ पानी पीते, जानवर सब वहाँ। चुप बे औरत, सरकार से जबान लड़ाती है। ठहरो, घोड़ों को उस पार ले जाओ। इस जानवर को यहाँ पानी मिलेगा? आदमी की तरह पानी पीने के लिए पहले झुककर हाथ फैलाने पड़ते हैं। ऐसे? रात को खाना घर पे खाओगे तो आज भी नहीं आओगे? मैं जब भी घर से बाहर पैर निकालता हूं तुम टोक देती हो। अब तो मुन्नी भी समझने लगी। भैया, भैया आपसे कुछ बात करनी है। बाद में, छावनी पर पहुंच जाना। अच्छा, कल मिलेंगे। नमस्ते। कैसे हैं मास्टर जी? अच्छा हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है, इसे आप स्कूल क्यों नहीं भेजती? यहाँ रिवाज कहाँ है लड़कियों को पढ़ाने का? वक्त के साथ साथ रिवाज भी तो बदल जाते हैं। पहले लोग बदलने चाहिए ना। शुरुआत के लिए एक ही काफी है। राम राम मुखी जी। राम राम, राम, राम। जय माता दी मास्टर जी। लो आपका अखबार आ गया जी। अरे ओ स्वराज जी, तेरा स्वराज कब आएगा? जरा देखते हैं इसमें का रंग कैसा होगा मास्टर जी। अरे लाओ, हम भी तो पढ़े। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, मेरा अखबार फट जाएगा, ये क्या कर रहे हो? मुझे मेरा अखबार वापस दे दीजिए। ये फौज आ गई, फौज आ गई, ये फौज आ गई, फौज आ गई। ए क्या हुआ, काय को गला फाड़ कर चिल्ला रहा है? तू बिगा रहा है और साथ में सिपाही भी है। हाँ तो कौन सा तूफान आ गया, सारे गाँव को सर पर उठा रखा है। अरे ओ हरिया, सेठ को खबर कर, सरकार की सवारी आई है, रसद पहुंचा देगा। और सुन, हजाम को भी छावनी पर भेज देना, केदार के बच्चे को भी हाजिर कर। वो भी मौका छांट के।
खा थोड़े ही जाएगा, आदमी ही तो है, कोई हवा तो नहीं। आदमी तो है, ये है खरा माल। इस सोने में रत्ती भर भी मिलावट नहीं। अरे मिलावट बिना गहना नहीं बनता, लचक जाता है मेरे भाई। तभी तो हद होती है, खाली बैठे बैठे बस बकते रहते हैं। एक बच्चा तो होना ही चाहिए, तू कहे तो जंतर बनवा दूं। मौसी मुझे कोई दुख नहीं। अच्छा, राम राम बाप जी। तेरी राम राम हमेशा चूना लगा जाती है सोना भाई। जरा छटाक भर तेल तो देना। निकाल थेला। ले लेना। पैसे अब पेड़ पर नहीं फलते सोना भाई। अरे दे दूंगी बाप जी, इस गांव में तुम ही तो पैसा देते हो, तुम ही ले लेते हो। ले, थोड़ा सा अपने मर्द के सिर में भी ठोक देना, मत मारी गई है उसकी, आज भी काम पर नहीं आया। अच्छा। रात जगाती होगी सुसरी, तो फिर सुबह मर्द की आंख कैसे खुले सेठ जी। सेठ की गुलामी नहीं करनी। तो क्या, सारा दिन कमर तोड़ बोरे उठवा था, एक दमड़ी नहीं देता, एक बीड़ी मांगी थी पीने के लिए, गाली दी ससुरे ने। अरे तू भी काम पर मत जाना। मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो खाएंगे क्या खाक। जय माता जी शंकर, तेरी चिट्ठी आ गई। अभी नहीं शंकर, बाद में आना। अरे मास्टर जी, जिंदगी में पहली बार चिट्ठी आई है और आप कहें बाद में आना। पढ़िए मास्टर जी। अच्छा अच्छा, भैया शंकर इसमें लिखा है कि तुमको नौकरी मिल गई है रेलवे में। मिल गया? नौकरी मिल गई? अरे मास्टर जी नौकरी मिल गई, अरे नौकरी मिल गई, अरे नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, अरे नौकरी मिल गई, अरे नौकरी मिल गई, अरे नौकरी मिल गई अपने राइट। मास्टर ये सुराज होती क्या चीज, और अगर कहीं मिल जाए तो पहचानेंगे कैसे? ये ना तो कोई चीज है और ना ही रास्ते पर पड़ा हुआ मिलता है। तो उससे फायदा क्या है? सवाल फायदे का नहीं है। तो फिर जरूरत क्या है? वो समझने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। चलो मोहन चलते। Oh!
पंजाब पंजाब पे हो। हम भी सुनेंगे सरकार। लो सुनो, सरकार बड़े शौकीन है। पाए लागे सरकार। राम राम बाप जी। जय माता जी बाप जी। दुहाई हो सरकार। राम राम बाप जी। राम राम। राम सरकार। राम राम बाप जी। राम राम सुबेदार जी। हाँ मुखी आ गए। खबर मिलते ही हाजिर हो गया बस। और मुखी क्या खबर है? खबरों का क्या है सुबेदार जी, रुक सकती हैं। सफर से आए आप थके होंगे। आप आराम फरमाइए हजूर, हम फिर आएंगे। नहीं नहीं बैठो बैठो, अभी तो महफिल जमेगी। महफिल? हमार फूल के नाम हाजिर करो। ये क्या चीज है सरकार? बड़ी जालिम चीज लगती है। कोई खतरा तो नहीं बाप जी? सरकार नया जादू लाए हैं। सरकार छड़ी घुमाएंगे और भूंगे से जन्नत की हूरें निकलेंगी। हाँ, एक के बाद एक सबके लिए एक एक अक्षर। अरे भौदू, इस भोंगे में से भूत निकलेगा और एक एक करके सबको खींच लेगा अंदर। और दूसरी ओर से क्या निकलेगा मालूम है? क्या? क्या? घोड़े की खुराक। एक का नहीं है, नई किस्म की तोप है ये। इसमें से एक गोला निकला और सारा गांव सांप घर जाए। अरे बिलेडी बास्केट, हराम सदे, क्या कर दिया तूने सुअर के बच्चे? क्या कर दिया तूने? नेम फूल बिलेडी डाउन सेल्स, रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरा, रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरा, हरामी बदसात, शैतान की दम, अरे कंगाल की औलाद, रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरा, है रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरा, रिकॉर्ड तोड़ दिया। जानते हैं क्या चीज है ये? जोड़े से, अभी जोड़े से हराम ज्यादे, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं, जोड़ से तेरी खाट खेल दूंगा, जोड़ से तेरे टुकड़े कर दूंगा हराम ज्यादे, जोड़ से जोड़ से जोड़ से जोड़ से, नहीं तो तेरे चंद से मार डालूंगा। राम सदा बदसात, देखो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। निकल बाहर दो सक्के कीड़े, तुम्हारा तेरी शक्ल देखी तो लटका के रख दूंगा। बस सरकार इसके कान उमेट रहे हैं। ये है जादू की छड़ी। अभी देख देख वो घूमने लगी। हाँ अब देखना उड़ेगी वो। उड़न तश्तरी।
सरकार, देखने के जादू तो बहुत देखे, लेकिन सुनने का जादू कभी नहीं सुना। सुबेदार जी आप कौन है ये? मास्टर है सुबेदार जी, खादी वादी। स्वराजी हो। आपके घोड़ों ने सारी सजावट तोड़ दी और इस बच्चे को भी कुचल डाला। गधा साला, घोड़ों की शिकायत करता है। घोड़ों ने सजावट तोड़ दी। अरे अकल आदमी में होती है कि जानवर में? फिर घोड़ों ने सजावट तोड़ दी। मत जा रे। अब यहां मन नहीं मानता। वहां जाके कौन सा आकाश नाप लेगा तू? मजूरी तुझे यहां भी करनी है, वहां भी करनी है। अरे बावरी, तुझसे कहा ना, वो रेलवे की नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, और वो भी शहर में। और फिर हाँ, थोड़े दिन बाद घर भी मिल जाएगा। घर तो ये भी है। अरे वहां पक्का घर मिलेगा। देख, बच्चे होंगे, रेलगाड़ी में बैठ सब साथ सारा देश घूमेंगे। सपने सच हो जाए तो सच का क्या हो? मान जा, शहर सबको खा जाता है। तू तो नाहक डरती है। अच्छा बता, अब इस गांव में भी क्या धारा है? कुएं की मेढक की तरह सारी जिंदगी गुजर जाएगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। कुछ जमीन होती तो आस भी रहती, वो मुखी हड़प गया। चोरी साहूकार बन जा रहा है तो शिकायत भी कोई किससे करे? भूल जाना शंकर, भूखे तो नहीं मर रहे ना? देख, चैन नहीं मिलेगा। क्या हुआ, क्या हुआ? भैया से बात नहीं हुई कुछ? तुम इतना डरते हो तो? मैं डरता नहीं हूँ। राधा, मैं जाती हूँ। ओ राधा, आपको
चलो भाग चल। भाग के जाएंगे कहां? कहीं भी। करेंगे क्या? कुछ भी। पकड़े गए तो देखा जाएगा। बापू जान से मार देंगे तो अब रहा नहीं जाता। राधे जान से मार डालूंगा। बेटी, मेरी बेटी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 बाबू। तूने मेरी सात पुरखों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। नहीं, अरे छोड़ इसे, मत मारो, छोड़ दे इसे। गांव भर में मेरी पगड़ी उछाल के रख। बहुत हो गया, छोड़ दो। मैं आज मेरी किसे ले आया? वो कहां है? वो कौन सरकार? वो दूसरी काली चुनरिया वाली। ओ सोन भाई, वो तो घर गई सरकार अपने मर्द के साथ। जरा ठहरिए तो, चुनरिया में क्या रखा है सरकार? चल वो नहीं तू सही, आज नहीं फिर सही। क्या नाम है तेरा? लक्ष्मी।
और फिर खरगोश ने शेर को शीशा दिखा। फिर बोलना माँ, फिर क्या हुआ? पता नहीं, तू सो जा। माँ, बापू घर में क्यों नहीं सोते? तू वापस आएगा, मुझे ले जाएगा। मारने लगा।
ये क्या अबू? ला मैं करती हूँ। अरे हो जाएगा। ला भी। तुझे भी चैन नहीं। सुबेदार जी, सुबह सुबह पंछियों को दाना डाल रहे हैं और वो चुग भी रहे हैं मुखी। क्यों ना हो, दाना भी तो सोने का है। सुना है पंछी तो तुम भी पालते हो, कभी हमें भी दावत दो। हमारी ऐसी हैसियत कहां सरकार, भूखे नंगे गांव का मुखी हूँ। सो तो है सरकार। लोग कह रहे थे साल अगर लगान में कुछ रहम हो तो। अरे घोड़ा अगर घास पे रहम करेगा तो खाएगा क्या मुखी? आदमी तो घास पर नहीं जीता सरकार। वो लोग सूखे की वजह से वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से लगान लग जाए तो भूखे मर जाएंगे। लगान तो लगेगा मुखी। आ आ आ आ माँ, बापू आ गए। भैया, भैया आपसे कुछ बात करनी है। बात मैं करना? सुनो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे खोल दरवाजा। दरवाजा मत पीटो, ये घर है, सराय नहीं कि जब चाह आ गए जब चाह चले गए। बकवास बंद कर, दरवाजा खोल। बुआ, इनसे कह दो कि सिर्फ नहाने के लिए अगर घर की जरूरत पड़ती है तो वहीं नहा लिया करें जहां रात गुजारते हैं। ठीक है, तो फिर यही होकर रहेगा। सरकार रहम करो, सरकार हम पर रहम करो। ये अंगूठे की छाप तुम्हारी है? हाँ सरकार। सरकार अब अंगूठे का क्या है, जहां बोला लगा दिया, आपने बोला आपको भी लगा दिया। हुक्म करो सरकार तो दो चार और लगा दिए। तुमने सेठ से पैसे लिए? लिए सरकार। और अंगूठा भी लगाया? लगाया सरकार। तो तुमने उसको जमीन बेची? नहीं सरकार, सरकार हमने जमीन नहीं बेची। वो झूठ बोल रहा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है। सियाना बन रहा है, ले जाओ सले को, बांधो उधर। नहीं सरकार, हम सच कहते हैं, वो झूठ बोल रहा है। मुफ्त में मजदूरी करवाता है सरकार, 10 साल से हमारी फसल का हिस्सा खाता है वो। सरकार छोड़ दे, Thank you.
घोड़ा लेके आओ, घोड़ा लेके आओ। पटवारी जी। सरकार, जिन जिन के लगान बकाया है उन सब के पट्टे जब्त कर लो। सब लाइन में खड़े हो जाओ। तो सरकार क्या करेंगे? नहीं, सरकार ने क्या कहा? शादी ब्याह की तैयारी है? नहीं, इसे स्कूल में भर्ती कराऊंगी। क्या कहती है? मुन्नी को स्कूल में भर्ती करवाएगी? मुखिया इनकी तो मत मारी गई है, लड़की की चाहत और पढ़ना लिखना। कभी देखा है किसी लड़की को स्कूल जाते हुए? पढ़ लिख कर मेम बनेगी क्या? सारे लड़कों में एक लड़की, फिर इससे ब्याह कौन करेगा? ये क्या है सेठ? हूनिया पेशाब सरकार, वो तो वो जो भी है तुम्हारी करतूत जैसा ही काला है। आपकी दया है सरकार। ये तो गोदी से ही नहीं उतरता। ये उतरेगा तो तू दूसरा कर लेगी। करूंगी भी तो अपने मदद का। बड़ी वो बनती है। अरे चल ना।
ये क्या है चाचा? लड़की का बाप और कर भी क्या सकता है, इज्जत की भीख मांगने आया हूं। देखो चाचा, मैं आपकी बेटी के खिलाफ नहीं हूं। राधा अच्छी लड़की है, कोई अच्छा सा घर देकर ब्याह कर दीजिए। पर आपके भाई ने उससे बहुत वादे दिए हैं। देखिए, मोहन अभी बच्चा है। लड़की जान दे देगी। मुखिया का भाई है, जब ब्याहेगा तो सोने से तुलेगा। अरे चाचा, जिंदगी भर मजूरी करके मर जाओगे तो भी बराबरी नहीं कर पाओगे। आपने जमाना देखा है चाचा, सिर्फ जज्बात से शादी नहीं होती। इससे पहले कि बात बढ़ जाए, उसका ब्याह करवा दीजिए। चाहिए जब गांव का मुखिया ही गांव। बस 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 चाचा, बहस करने से कोई फायदा नहीं। जाइए। बूढ़ा सठिया गया। ऐसा जादू दिखाएंगे कि दंग रह जाओगी। सच। पक्के खिलाड़ी ठहरे, एक चोट से हारने वाले नहीं है भाई। हाँ? ये देख अब इसे। हाँ? और ये चाल तुम्हारी। बड़ी तेज मिर्च है। अच्छी है। मसाला जोरदार बनेगा। देखो सखी लाला Yeah.
दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बता ना क्या हुआ। इधर देख, अब बता क्या हुआ, बोल भी। उसी में भाग गई। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे खोलता है कि नहीं, खोल दरवाजा। अरे दरवाजा खोलो, खोल दरवाजा। बच्चे क्या क्या काम है दरोगा जी? अभी जो औरत अंदर आई है उसको वापस भेजो। क्यों? सूबेदार ने बुलवाया है। अरे सरकार तो सबके माई बाप हैं भाई, बहू बेटियों पर नजर नहीं बिगाड़ते। फटक खोल दे बुड्ढे, वरना उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जब उसकी नौबत आएगी वो भी देख लेंगे। अबे ये इज्जत महंगी पड़ेगी बुड्ढे। यहाँ इज्जत आबरू का सौदा नहीं होता भाई। ये औरतें मेरी नजर के सामने बड़ी हुई हैं, मेरे जीते जी इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। खबरदार, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, समझ लो खून जरूर बहेगा। समझ ले बुड्ढे, अब तेरे दिन पूरे हो गए। वो तो अल्लाह की मर्जी। सुनो तुम लोग यहीं रुको, देखना यहां से एक चिड़िया भी बाहर ना निकलने पाए। चलो चले जाएंगे। साले इन सुअरों की तो जात जाए। मुए सूबेदार ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे इनका बस चले तो हमें खाई जाए। अरे इन रंडवों से तो किसी का पाला न पड़े। इसको देख बचाई, देवी की दया से हिम्मत है, खूब दौड़ाया उन्हें है। अब न किसी की नजर लगे, जा अबू के हुक्के में डाला। अब क्या होगा? चिंता मत कर। सच बता क्या हुआ था? बची भी या हमें ही बना रही है? तुम हंस रही हो और बाहर वो सुअर। अरे मुसीबत मोल लेने के लिए तुम लोगों का हंसना ही काफी है। हंसने पर कब से लगान लगने लगा? खुद को संभल कर चलना चाहिए। हाँ पैर का अंगूठा तक छिपा के चलना चाहिए। हाँ तो मुंह छुपा के घर पे बैठो और ठाट से भूखे मरो। अरे चलो चलो तुम लोग काम पर लग जाओ। चल काली, अब पहुँच गई है तो दिहाड़ी क्यों खोती है? चल चल उठो। मौत मरेगा कमबख्त। जी हमने भी उसे यही बोला, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अगर आप हुक्म करो तो दरवाजा तोड़कर उसे ले आए। नहीं ऐसे नहीं, मजा तो तब है कि सांप भी ना मरे, लाठी भी ना टूटे और काम बन जाए। कौन है उस कारखाने का मालिक? जी जीवन सेठ। जाओ पकड़ के लाओ उसे। फिर क्या? हाँ। सोन भाई ने खींच के सूबेदार को थप्पड़ मारा तो सूबेदार के मुंह से खून निकला। अरे और फिर क्या? सोन भाई भागी। हाँ। सोन भाई आगे आगे सिपाही पे। फिर सोन भाई को पकड़ लिया? अरे नहीं। हाँ। सोन भाई के तो जैसे पर निकल आए, घोड़ों की मजाल के सोन भाई को पकड़ सके। फिर
फिर क्या? फिर वो घुस गई जीवन सेठ के कारखाने के अंदर। अच्छा, फिर क्या? सोन भाई अंदर, सिपाही बाहर, और खेल शुरू। और फिर कुछ लोगों का लगान आ गया सरकार, जरा देख लीजिए हजूर। किस लिए रखा है? दया सरकार, दया 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 सरकार, दया। उठो से, उठो उठो सरकार, ये सिपाही मुझे बिना बात ले आए। मेरे हुक्म से लाए हैं। अरे सरकार, अरे उठो से, उठो, संभालो अपने आप को, जो तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। ये मसाले का कारखाना तुम्हारा है? कारखाना क्या सरकार, वो तो गांव वाले मजाक में कहते हैं। ऐसा है कि गांव की 10-5 औरतें रोजी रोटी कमा लेती हैं बस। खैर, बात ये है कि तुम्हारे मसाले के कारखाने में एक खास गरम मसाला है जो हमें बहुत पसंद। हमने अपने सिपाहियों को भी भेजा था, लेकिन तुम्हारे उस सरफिरे चौकीदार ने फाटक ही बंद कर दिया। अबू मियां ने फाटक बंद कर दिया सरकार? वैसे आप मुझे हुक्म दीजिए, आपको जो चाहिए वो मसाला मैं खास ताजा आपके लिए बनवा कर भिजवा दूंगा। तुम समझे नहीं सेठ, तुम्हारे कारखाने में एक औरत काम करती है, एकदम अंगार, वो मुझे चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं सरकार? संदेह हो क्या? एक ही तो है ऐसी, उसका मर्द बाहर गया हुआ है। क्या नाम है उसका? सुन भाई हजूर, पहले तो इशारे करती थी, अब नखरे दिखाती है हराम साली। सरकार गजब हो जाएगा, मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा सरकार। गांव की औरतें दिहाड़ी पर काम करने आती हैं सिर्फ मेरे भरोसे पर, गांव वाले क्या कहेंगे सरकार? अरे वो क्या कहेंगे, मैंने हुक्म दिया, तुमने फाटक खोल दिया, बस तुम्हें इतना ही करना है, बाकी का काम मेरे सिपाही कर लेंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगा सरकार, बर्बाद हो जाऊंगा सरकार। बर्बाद तो तुम तब होगे जब कारखाने का फाटक टूटेगा, और कारखाने का फाटक टूटेगा तो गोदाम के ताले टूटेंगे, और गोदाम के ताले टूटेंगे। मैं कोशिश करता हूँ सरकार, कोशिश करता हूँ। आ गया, अब क्या हुआ? जा और संभल के, अब उसे जाके एक एक बात बताएगी। और ढिंढोरा पीटो, इसी की बदनामी होगी। सिपाही आए थे सोनबाई को लेने, अबू चाचा ने फाटक ही बंद कर दिया, हम सब कैद में हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस इतने में ही सोनबाई की हिम्मत देख, ऐसा करारा तमाचा मारा है सूबेदार को कि उसके दांत टूट गए। हाँ, उसने कहा मारा था? मत मान, पर सारे गांव में चर्चा है। ए जल्दी कर बे। अरे हाँ, ठहर दो। हाँ अच्छा सुन, गांव वालों से कहकर तू ही कुछ करवाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा जाता हूँ, कुछ करता हूँ। और देख तू रोना नहीं है। हाँ। चल अबू मिया, अबू मिया, अबू मिया। ये क्या सुबह सुबह फाटक क्यों बंद है? अच्छा हुआ आप आ गए सेठ जी, यहाँ एक मुसीबत आन पड़ी है। लेकिन फाटक क्यों बंद किया है मिया? वो सूबेदार के सिपाही आए थे, औरत को यहाँ से जबरदस्ती ले जाना चाहते थे, कहते थे सूबेदार का हुक्म है। मियां सूबेदार को मैं समझा लूंगा, तुम फाटक खोलो जल्दी। मुझे सामान निकालना है। आप अकेले आए हैं सेठ जी? हाँ हाँ, लेकिन जल्दी करो मियां, दुकान पर कोई नहीं है। अच्छा अभी खोलता हूँ सेठ जी। क्या
खबरदार, तुम्हें क्यों झूठ बोलना पड़ा सेठ? उपदेश ने झाड़ो, अट खोलो। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं वो सोनबाई के साथ क्या सलूक करेंगे? देखो, मैं जो कहता हूँ करो। आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं इस कारखाने का मालिक हूँ। और मैं यहाँ का चौकीदार। मेरा हुक्म बजाना तुम्हारा काम है। कारखाने की रखवाली करना मेरा काम है। और कारखाने का मतलब सिर्फ मकान और सामान नहीं होता सेठ, मजदूर औरतें भी हैं। जबान लड़ाता है, नमक हराम। वाह सेठ, 40 साल की वफादारी का ये इनाम दिया है। खैर, फिर भी बेईमान होने से नमक हराम होना बेहतर है। तुझे ईमानदारी तो मैं ऐसी सिखाऊंगा, तेरी नौकरी की इसी दम से अभी से छुट्टी और तेरा नमक बंद। तेरा नमक तो आज से वैसे भी जहर है सेठ। मैं कहता हूँ फाटक खोल दे। सोन भाई की सलामती का सवाल है, फाटक नहीं खुलेगा। बात बहुत बढ़ गई, सेठ को खुदा ना पड़े। मियां सेठ को तो आने दिया होता। सठिया आ गई है मान की, फाटक खोलकर भेड़ियों को बुलाना चाहती सठिया है। तो तुम गए हो। अरे सेठ को ही भगा दिया। ये मेरी जिम्मेदारी है। अरे उसने काम से निकाल दिया तो तुम दोगी? देखो, इस वक्त सोनबाई को बचाना है। यूँ कहो कि सबको डुबोना है। नहीं डूबेंगे, गांव में सारे सेठ जैसे नहीं। जिसको अपनी दुकान संभालनी है ना, वो सूबेदार की जी अजूरी करेगा ही। कोई चू तक नहीं करेगा। अरे मैं हूँ ना। और सुनो, आज तक मियाँ ने कुछ करके भी दिखाया है तो क्या चाहती हो, उसे उठाकर बाहर पटक दूं और शेर से कहूं कि आ शेर सबको खा। मेरे जीते जी किसी का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। एक पांव कब्र में है फिर भी शेखी मारने की आदत नहीं छूटी। तेरे देखते देखते दूसरा भी जाएगा, लेकिन वक्त आने पर मेरे लिए दुआ तो करेगी ना। इसके साथ तो बात करना भी बेकार है। मेरे मर्द के पास पहले ही काम नहीं है। फाटक नहीं खुलेगा। चुप कर। नहीं खुलेगा। ये जोश हमी को महंगा पड़ेगा। फाटक टूट भी सकता है। नहीं, बुरी बात। क्यों नहीं, सरकारी गुस्सा कुछ नहीं छोड़ता। तुम्हारा मतलब सिपाही यहाँ अंदर? अभी नहीं, रात में। नहीं, देखो हमारे अपने लोग आएंगे, सोते रहेंगे, इधर आग लगेगी, खूब चीखना चिल्लाना। नहीं, सब बहरे कानों पर पड़ेगा। सारी बस्ती की बस्ती राख हो गई थी, कोई नहीं आया। पिछली बातें मत दोहरा। जी को लगती जो है, इस जैसी थी मैं। और भी बहुत बच्चे देख रहे थे, वो हराम जाते कैसे उनकी माँ को नोच कर। चुप कर। अफीम खिलाकर बच्चे को सुला देना कबली, वो शर्म का नखरा नहीं सही। सबकी, सबको, सबके सामने यही कहीं दबोच देंगे। बचने की कोशिश करी भी तो दूसरे का घुटना धकेल देगा, चाहे वो मेरी माँ जैसी बुढ़िया हो या मेरी बहन 3 महीने हुए थे उसे ब्याहे। बस कर मान की। और ये रमा भाई, मान ये छिपाती क्यों है? क्या हुआ? पानी
फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा। बोला बाजा बजाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। और फिर सटाक से अपना हाथ छुड़ा कर चटाक से जो चाटा मारा तो सूबेदार का बाजा ही बजना बंद हो गया। कल जल जल हल हल क राम राम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ओ मास्टर के बच्चे, आपकी पत्नी से यहाँ छोड़ गई है, पहले उनसे तो बात कर लीजिए। चुप रे स्वराज की तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुन्नी को स्कूल में भर्ती करवाने की? सारा गांव थू थू कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कभी सुना है किसी लड़की को स्कूल में पढ़ते? मैं मुन्नी को पढ़ाना चाहती हूँ। तुम कौन होती है ये तय करने वाली? ये सब उस मास्टर की कारस्तानी है। किसी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। खामोश, मैं सब जानता हूँ। आखिर तुम्हें तकलीफ किस बात की है? क्या नहीं है? घर बाहर इज्जत आबरू क्या कमी है? अरे लड़का नहीं हुआ तो भी किसी ने कुछ नहीं कहा, समझी? और सुनो, रही वो बात, तो मर्द कभी कभी रात बाहर ना गुजारे तो लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े गांव का मुखी एक औरत तक नहीं रख सकता। मैं औरत नहीं हूँ। तुम बीवी हो। मुखे, ओ मुखे। आ रहा हूँ। क्या बात है? चलिए मुखी, सरकार ने बुलाया है। ठीक है, हम आते हैं। फौरन बुलाए मुखी। कहा ना हम आते हैं, जाइए आप लोग। फिर कभी ऐसी हरकत की तो टांग तोड़ दूंगा, समझी? बात अगर हद से बढ़ जाए तो बतंगड़ बन जाती है। क्यों सेठ? अरे सेठ, तुम्हारी इन काली करतूतों के निशान ऐसे नहीं मिटेंगे। इन्हें मिटाने के लिए आग चाहिए। चल 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 रहा, चल गया सरकार। हाँ मुखी। राम राम सुबेदार। कहिए कैसे याद किया? खबर तो तुम तक पहुंच ही गई होगी। हाँ सुना है सरकार की मर्दांगी कुछ रंग पकड़ रही। मजाक मत करो मुखी। हमारी क्या मजाल सरकार। देखो वो बूढ़ा चौकीदार सठिया गया है, उसे समझाओ कि चुपचाप फाटक खोल दे वरना बेमौत मरेगा वो। अब उसे छोड़िए सरकार, वो बूढ़ा तो फिर उस औरत को समझाओ कि अपने आप चली आए वरना उठवा लूंगा, फिर बुरे हाल होंगे उसके। मान भी जाइए सुबेदार जी, कहिए तो कोई दूसरी भिजवा देता हूँ। कल वाली चलेगी? तुम समझे नहीं मुखी, अब हमें सबक देना होगा। उस हराम शादी की हिम्मत कैसे हुई? सरकार अब छोड़िए ना, औरत तो वही चाहिए। तुम चाहो तो इस काम को आसान कर दो वरना मेरे सिपाही कर देंगे। सरकार बहुत गजब हो जाएगा, सारे गांव में तहलका मच जाएगा। यही तो मैं भी कह रहा हूं, खून खराबे से क्या फायदा, बात बढ़ाने से क्या फायदा। अभी उसका मर्द भी नहीं है, चुपचाप उसे यहां भिजवा दो, बात वहीं दब जाएगी। सरकार उसका मर्द वापस आएगा तो हम क्या जवाब दें? अरे शहर से क्या वापस आएगा, और वापस आ भी गया तो क्या, पसंद होगी तो रख लेगा और नहीं पसंद होगी तो तुम रख लेना। क्यों रखते नहीं हो क्या? जी औरत वैसे भी खूबसूरत है,
कभी तुम्हारी नजर नहीं गई उस पर? सरकार, नजर पर भी नजर रखनी पड़ती है। देखो मुखी, अगर मैं चाहूं तो वो फाटक अभी तोड़वा सकता हूं, लेकिन खून खराबा नहीं चाहता है? अगर मर्जी से आ जाए तो ज्यादा मजा दे। मर्जी से आती है तो कौन मना करता तो है? मनाओ उसे। सरकार वो नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है और वो बूढ़ा चौकीदार भी ईमान पर उतर आया है। देखो मुखी, अब ये हमारी इज्जत का सवाल है। सरकार, मामला बहुत उलझ चुका है, अब ये सारे गांव की इज्जत का सवाल है। देखो मुखी, ये है हमारी पलटन। अगर इन्हें गांव में खुला छोड़ दूं तो कहां जाएगी तुम्हारी इज्जत? समझदार के लिए इशारा काफी होना चाहिए। जाओ, उस औरत को भिजवा दो। मुझे गांव वालों से बात करनी है। उन्हें भी समझाओ। समझ लो ये भी एक तरह का लगान हो गया। क्यों चाचा, आज दोपहर घर जाना नहीं होगा? आज यहीं आराम कर लो। एक औरत अंदर जा रही है। है किसी को अंदर से बाहर न जाने दिया जाए। अंदर जाने की मनाही नहीं, जाने दो। अबू मियां, जाओ। कौन है? अबू मियां, मैं हूं सरस्वती। मुखिया ही नहीं है। चलो चलो, यहाँ तो बेटी मुसीबत सर पर आन पड़ी है, अब तुम ही जाकर गांव वालों से कुछ करवाओ। मुखी गए हैं सूबेदार के पास, शायद बात संभाल लेंगे। बाहर क्या हो रहा है? हमें बचाओ, यहाँ सीता की तबीयत बहुत खराब है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो अबू मियां, मैं रोटियां लाई हूँ, अंदर सब भूखे होंगे। हटो हटो हटो, तुम लोग जाओ। ये सिपाही कहाँ है? हाँ है तो, लेकिन वहां छाव में बैठे हैं। अम्बा, ले रोटियां, ये सबको बांट दे। चलो, इसके नाम भी मुखी के घर की रोटी तो नसीब हुई। ये ले। बस परलोक नसीब ना हो, इससे पहले तो लोग आ जाएंगे। हाँ हाँ, देखे ला, रोटी दे। मुलायम है। हाँ, औरत की अकल को ही ये ख्याल आ सकता है रोटी का। बच्चों ने क्या खाया हो? तू खा ले, पड़ोसी बच्चे देख लेंगे। चलो, चूल्हे से तो छुट्टी मिली। रोटी खाएगी? नहीं, अब भी वक्त है, चली जा। मैं कहती हूँ वो गुस्सा थूक देगा। छोड़, कल रात में थी उसके साथ, पर वो तुझी को पूछ रहा था, ये दिया उसने। देख, तेरी इज्जत नहीं है क्या? मान जा सोन भाई, कोई तुझे माफ नहीं करेगा। जा, देखा जाएगा।
फिर रोटियों को खाते पे तो नहीं चढ़ा देगा? उतारने का जिम्मा भाई सोन भाई का। अरे लाल जी, मुखी ने बुलाया, पंचायत बैठेगी, जल्दी चलो। इसलिए? अरे वही किस्सा सोन भाई वाला, तुम चलो। चलो ये नाटक भी देख लेते हैं। अब क्या चाहता है वो? अरे वही किस्सा सोन भाई वाला, बात बहुत बढ़ गई है, अब चलिए। राम जी की, राम राम मुखिया जी, राम राम, राम मुखिया जी, जय माता जी, राम राम मुखिया जी, बैठो बैठो, राम राम, राम राम। नमस्ते। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आपको तो बुलाया नहीं गया था। ये मामला पूरे गांव से ताल्लुक रखता है और मैं भी इस गांव में रहता हूँ, इसलिए मेरी हाजिरी यहाँ जरूरी है। इसलिए? मेरा यहाँ हाजिर होने का हक बनता है। अरे मेरे घर में मुझे हक सिखाता है? कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। जय माता जी, पंडित जी। राम राम। सूबेदार कहता है कि सोनबाई उसकी गुनहगार है और हमें उसे सूबेदार को सौंप देना चाहिए। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। अब मामला यूं उलझा है कि वो औरत सेठ जी के कारखाने में छुप गई है और वो बूढ़ा चौकीदार, क्या नाम है उसका? अबू मियां। हाँ अबू मियां, उसने डेली के दरवाजे बंद कर दिए। अब सूबेदार जिद पर अड़ा है, उसने हमें एक घंटे की मोहलत दी है और धमकी दी है कि अगर सोनबाई उसको नहीं पहुंची तो वो अपने सिपाही खुले छोड़ देगा और सारा गांव उजाड़ देगा। अब आप सब तो जानते हैं कि पिछले साल मेरा और शंकर का मन मुटाव हुआ था, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका फैसला आप ही करें। अब आप लोग इसी तरह बैठे रहेंगे तो एक घंटा ऐसे ही बीत जाएगा और सूबेदार के सिपाही सारे गांव में आग लगा देंगे। अब उसने कहने को क्या रखा है? अगर एक की वजह से पूरे गांव पर आफत आ रही है तो अब शेर को तो उसका शिकार देना ही पड़ेगा ना भाई। संकट के समय तो सावधानी ही सबसे बड़ा धर्म है। वो सोनबाई साली है ही ऐसी, कितने नखरे करती है देखा नहीं? सूबेदार तो क्या कोई भी पीछे पड़ जाए। क्यों मुखिया जी, इस गांव में तो लगता है चूड़ियों का धंधा बहुत चलेगा, अब तो सारा गांव पहनेगा। क्यों आराम ज्यादा, गांव के टुकड़ों पर बसता है, गांव को गाली देता है। निकालो साले को। बहुत बोलता है, चल 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 निकल यहां से, फिर कभी गांव में कदम मत रखना। अरे यार, सरकार से कोई थोड़े ही जीत सकता है। सरकार से लड़ना तो पागलपन है। मुझे एक ही बात कहनी है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो। इतनी देर से आप सब लोग गांव पर आए हुए संकट की चिंता कर रहे हैं, मगर सोनबाई पर आए हुए संकट की किसी को चिंता नहीं। आप लोग कितनी आसानी से सोनबाई को सूबेदार के हवाले करने पर राजी हो गए, और वो जो बाकी औरतें कारखाने में बंद है उनके बारे में किसी ने सोचा? सोच लिया, मेरी तो बेटी अंदर बंद, और तुम लोगों को गांव की बहु बेटियों की इज्जत का कितना ख्याल है वो भी मैं अच्छी तरह जानता। जाती मामलों पर बहस करने का ये वक्त नहीं है। शेर जब एक बार खून चख लेता है तो आदमखोर हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? आपने ये कैसे तय कर लिया कि एक सोनबाई से सूबेदार की प्यास बुझ जाएगी?
जब वो देखेगा कि उसके एक इशारे पे सारा गांव झुक जाता है, उसकी एक धमकी से सारे गांव वाले घुटने टेक देते हैं, अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के बल पे वो अपनी कोई भी मांग पूरी करवा सकता है, तो उसे अपनी मांग दोहराने से क्या रोकेगा? आज उसने सोनबाई मांगी है, कल वो आपकी बीवी मांगेगा और परसों किसी की बहन। नहीं, नहीं समझता क्या आपने आपको? मेरी बीवी का नाम लेता है। आफत आ गई, हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, ये तो मर्दों का काम है। हाँ, लेकिन मर्दों की दुम निकल आई है, अब हमें कुछ करना होगा कि नहीं? ना, मेरा मर्द मारेगा। सब लोग साथ चलेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। आओ मेरे साथ। देवकी, देवकी चलो हमारे साथ, सोन भाई पर बहुत मुसीबत आई है। देखो सब आती जा रही है, तुम भी चलो, सबको कुछ करना होगा। हाँ? नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है। जय माता जी सरकार। ये बोरिया बिस्तरा बांध के कहां जा रहे हो बारोट? हमारा क्या है सरकार, मन मौजी लोग, जब मन चाहा निकल पड़ते हैं घूमने फिरने। फिर भी कोई वजह तो होगी। अब ना ही पूछो तो अच्छा है सरकार। बताना तो पड़ेगा बारोट। तो सुनो सरकार, लगता है अब तो इस गांव के पानी में ही कुछ खराबी है।
समझा दिया गांव वालों को? सुबेदार जी, एक बार फिर सोच लेते, नाक कट जाएगी। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो मुखी जैसे हम तुम्हारी बीवी मांग रहे हो। सरकार, गांव वालों ने यह फैसला किया है कि सोन भाई आपको सौंप दी जाए। मुखी, मुखी ये क्या कह रहे हो? सुबेदार साहब, ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। नादान है सुबेदार जी, मुखी जी ठीक कह रहे हैं। मुखी बोलो। सुबेदार जी, गांव वालों ने एक वादा मांगा है कि आज के बाद आप इस तरह की मांग नहीं करेंगे। किसने मांगा है ये वादा? हैं? जाओ मुखी, अपना फर्ज निभाओ। तो
अबो मिया। क्या बात है मुखी? मिया, बात यूं है कि बात बहुत बढ़ गई है। माने ये कि सूबेदार एकदम अड़ गया है, कहता है सारा गांव जला देगा। यूं फुसफुसा के क्या कह रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो, सबको पता चले। सबका कहना यह है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से सारे गांव पर आफत आ सकती है, इसलिए तुम्हें इसे छोड़ देनी चाहिए और दरवाजा खोल देना चाहिए। ताज्जुब है, सारे गांव में एक भी मर्द नहीं मिला जो इस औरत की मदद को आए। मान जाओ मियां, भलाई इसी में है कि बात को आगे ना बढ़ाया जाए। नहीं मुखी, मर जाऊंगा मगर जुल्म में भागीदारी नहीं करूंगा। जाओ कह दो सूबेदार से कि गांव में एक तो मर्द मौजूद है, जवान ना सही बूढ़ा सही, जब तक वो जिंदा है जुल्म की मर्जी नहीं चलेगी। पागलपन मत करो मियां, वो दरवाजे तोड़कर उसे उठा ले जाएगा और तुम बेमौत मारे जाओगे। अरे ईमान धर्म तो हम भी समझते हैं, लेकिन ये सरासर पागलपन है। अगर आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वो समझदारी है तो मुझे अपना पागलपन मंजूर है। देखो अबू मियां, तुम हटो, मुझे सोन भाई से बात करनी है। सोन भाई, मुखी तुमसे बात करना चाहता है। नहीं करनी, वो मना करती है। देखो सुन भाई, हम सब ने ये फैसला किया है कि तुम्हें जिद छोड़ देनी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। सुन भाई, ये तो सब माया है। जब सारे गांव पर तुम्हारी वजह से आफत आ रही हो तो ये तुम्हारा धर्म है कि गांव को बचाने के लिए अपनी बलि दो। और चिंता की कोई बात नहीं। हाँ। अगर वापस लौटने पर तुम्हारा मर्द तुम्हें रखने से इनकार करता है तो तुम्हें हिफाजत से रखने की जिम्मेदारी गांव लेता है। मैं नहीं जाऊंगी। बचपना मत कर लड़की, जो होना है सो होकर रहेगा। समझदारी इसी में है कि उसे मर्जी से मान लिया जाए। नहीं जाऊंगी। तुम्हारा मर्द यहाँ नहीं है वरना हम उसे भी समझा देते। मेरा मर्द अगर कहेगा ना तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मान जा सोन भाई। मैं जान दे दूंगी लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी। बस अब बहुत हो गया मुखी, शैतान के साले बनकर आए हो और शर्म भी नहीं आती। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिम्मेदारी तो अब ऊपर वाला समझे, हम तो अब बस फर्ज जानते हैं। मुखी तक का लिहाज नहीं, अब क्या होगा? मान जा सोन भाई, वरना तेरी वजह से हम सब मरेंगे। सबको लेकर डूबेगी कमजात। इज्जत अमीरों का शौक है लड़की, बहुत महंगी पड़ती है। अरे इसने कुछ तो किया होगा इतना तूफान खड़ा करने के लिए। हाँ। कोई ऐसे ही पीछे नहीं पड़ जाता। अरे बोल ही नहीं रही है मीरो। अरे तुम लोग क्या सोचते हो, फाटक खुलते ही सिपाही तुम लोगों को छोड़ देंगे क्या? अभी तो तुमसे ही छुटकारा हो तो बहुत है। अब तो जो होगा साथ साथ होगा। सुना है तूने उस पर हाथ उठाया? क्या क्या पागल हो गई है? अरे इस कलबुई से पूछो। तूने बताया नहीं? जानबूझकर नहीं मारा। सूबेदार को चांटा? अरे इसी के साथ क्यों हुआ, हम सब भी तो काम पर आई थी। मेरी गलती क्या है? मैं बांझ हूँ, मेरा मर्द बाहर गाँव गया है, मैंने पराए मर्द को दूर रखा। गलती तेरे रूप में है, उसके देखने में नहीं। अब जा भी, ऐसा आशिक फिर नहीं मिलेगा, जा। अभी क्यों, हमारे कफन ओढ़ के जाएगी, सबको खा जाएगी जायन। पैदल जाने में तकलीफ होती हो तो पालकी मंगवा दूं। जो भी नगरोड़। क्या हुआ? दरवाजा खोल, मैं जाऊंगी। कहाँ जाना है? पागल मत बन, तू ठीक जगह पे है। थोड़े बहुत ताने सह भी ले काली, अपने ही लोगों के हैं।
मेरी तो ये बात हाथ से अंदर ले लो। बेटा तो उठा, अभी देर है। धीरे-धीरे। पूजा पानी ले आ। इसे कहाँ रखूँ? इधर रखो। उड़ा दो। बेटा बस। छोड़ी से छोड़। सब चबर जाएगा, सब ठीक। हाथ पकड़ ले, चल हाथ पकड़ ले। अब भी हो जाता है छुटकारा। चल यहाँ भी आ जाओ। अगर इसे कुछ हो गया तो सोनबाई को चैन पड़ जाएगा। टाया लड़की हुई है अबू। चलो सब ठीक हो गया। हाँ। लड़की हुई है लड़की। बहुत प्यारी सी लड़की हुई है, इतनी सी है। उसके पास कोई बैठा तो है ना? हाँ हाँ। Thank you.
गिनती करूंगा, तब तक अगर फाटक नहीं खुला तो तोड़ दिया जाएगा। Thank you.